गुड मॉर्निंग। मैं आप सबों का आज पुनः स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग रोगी के साथ में एक अच्छा संबंध बना सकें और रोगी को रोग निवारण करने में हम लोग का सहयोग दे सकें। छात्रों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशंस, इस केस टेकिंग के लिए जो कम्युनिकेशंस का महत्व है उस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया था और आज उसी कड़ी में हम लोग कुछ और आगे भी देखेंगे, जिससे कि क्योंकि कम्युनिकेशंस ही एक बहुत बड़ा लिंकिंग फैक्टर है, जोड़ने वाला तत्व है और इस जोड़ने वाले तत्व को हमें अपने आप को मजबूत करके रखना पड़ेगा। ओके, तो इस कम्युनिकेशंस के क्रम में हमने बताया था कि इफेक्टिव जो प्रभावी कम्युनिकेशंस होता है उसके सात प्रमुख लक्षण हैं। एक क्लियर है, माने क्लियर मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं, जो जितनी बातें हैं जितना महत्व उतना ही करना है, कंक्रीट होनी चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन उसको सोचने के लिए होना चाहिए, कॉन्सिडर करे रोगी उसको समझे, ये बात को उसमें महसूस करे कि हाँ इसका जवाब देना है, ये हम लोगों को रखना है। देन कंप्लीट होना चाहिए और सबसे बड़ी बात होती है कि वह कर्टियस होना चाहिए, यानी कि एक भीतर से लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के जैसा होना चाहिए। आज इसी कड़ी में हम लोग कुछ और स्किल्स को देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फ्लुएंसी, एक जैसे मित्रता का भाव, उसको कहते हैं फ्लुएंट लैंग्वेज विद द पेशेंट। फ्लुएंट लैंग्वेज उस भाषा में होता है, इस भाषा में आप बोलने के लिए ज़्यादा सही रहते हैं, यानी कि बोल चाल की भाषा होती है। तो रोगी के सामने में अपना ज्ञान को दिखलाना नहीं है, उससे बात करनी है और सामान्य भाषा में बात करनी है। आप कटिहार में रहते हैं और कटिहार का क्षेत्रीय स्थान जो है वहाँ का जो भाषा है, अगर उस भाषा में रोगी से आप बात करें स्थानीय भाषा में, तो वह आपको बहुत ही फ्लुएंट डायलॉग होगा, मतलब बहुत आसानी से एक लगता है कि दिल से बात होगी, ठीक है ना। तो एक हमें फ्लुएंट डायलॉग पेशेंट के साथ में तैयार करना है, एक ऐसा वार्तालाप हो जो कि बहुत ही फ्लुएंट हो और वह अपनी भाषा में, है ना, अपनी भाषा में नहीं। वहाँ मुझे अपने ज्ञान नहीं दिखलाना कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, ऐसा नहीं। जिस भाषा में वहाँ का प्रचलित भाषा है वह भाषा में जवाब, अगर आप कुछ कहते हैं कोई बंगाली पेशेंट है, अगर आपको बंगाली आता है तो बंगाली भाषा में बात कीजिए, मैथिली भाषा है तो आप मैथिली भाषा में बात कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और रोगी इसमें बड़ा खुश होता है कि डॉक्टर साहब मेरे बड़ा नज़दीकी आदमी है, मेरे ही जवान में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक फ्लुएंट डायलॉग पेशेंट के साथ में इकट्ठा हमें सीखना पड़ेगा। तीसरा, दूसरी बात जो है सो साइलेंस, यानी चुप्पी, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आप जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए, है ना, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए और यह बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलिएगा तो रोगी को बोलने का अवसर कम हो जाएगा, है ना, और हमको रोगी को जितना ज़्यादा बुलवाने का ज़रूरत होता है ना, तो पेशेंट को हमें इतना ज़्यादा छूट देना पड़ेगा कि वो अपने भीतर के फीलिंग्स को, बात को अच्छी तरह से बता सके। अभी मैं एक पेशेंट से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, उस पेशेंट एक 14 साल का लड़का है और उसे बराबर खाना खाने के बाद में उल्टी हो जाया करता है,
ये बात तो बहुत आसानी से आ जाता, लेकिन इस बात में खाने के बाद में उल्टी हो जाना में बहुत सारी दवाइयां हैं। तो मैं उसके डिटेल्स में जाने के लिए मैं उस बच्चे को बोला कि तुम बताओ जब उल्टी होता है तो उस समय तुमको क्या लगता है मन में। तो कहा कि फितर में थोड़ी सी घबराहट होती है, ये बात अगर आप पूछेंगे उसको बोलने के लिए उत्साहित नहीं करेंगे तो नहीं बताएगा। और बोला कि मैं एपिगैस्ट्रिक रीजन में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तो ये सब बातें जानना हमें जरूरी है, क्योंकि उचित दवा, सही दवा, सटीक दवा पूछने के लिए उसके भावनाओं को समझना जरूरी है ना, भावनाओं को। और हर एक कष्ट के साथ में भावनाएं जुड़ी रहती हैं, उसका उसको कैसे वह लेता है ना, कैसे वह महसूस करता है, एहसास करता है। तो इसलिए पेशेंट को अगर आप कम शब्दों में उसे पूछिए और उसको उकसाने का कोशिश करेंगे, उसे बताने का कोशिश करेंगे, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। और पेशेंट को हमेशा प्रमोट करना है, सपोर्टिव। उसको अगर कोई कोई शब्द का वो भूल जा रहा है ना, ऐसा भी होता है। हम लोग भी जैसे लेक्चर देते हैं तो कभी कभी कोई शब्द हम लोग भूल जाते हैं, तो उस समय में फिर हम लोग खोजते हैं कि कौन सा शब्द में इसको इस्तेमाल करें। तो हम पेशेंट को भी ऐसा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि अगर वो अपने बात को कहने में उसे कठिनाई हो रही है तो उसे अल्टरनेटिव वर्ड्स को हम लोग उसको दें कि ऐसा इस वर्ड का इस्तेमाल कर, मैंने क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है, ऐसा करके अगर अल्टरनेटिव देंगे तो पेशेंट अपने एग्जैक्टनेस के पास में पहुंच जाता है। ये बातचीत करते के समय में एकदम एक मूर्ति के जैसा नहीं बैठे रहना है ना। मूर्ति आप बोल रहे हैं केवल एक, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं तो मेरे बॉडी में एक हलचल भी आप देख रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत, इसको कहते हैं नॉन वर्बल बिहेवियर है ना, नॉन वर्बल बिहेवियर। रोगी के पास में आगे थोड़ा सा झुक गए है ना, कैसा है, तो ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा उससे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसके बात को ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉन वर्बल हम लोग का बिना आवाज के भी आप अपने चीज अपने उसके अपने भीतर के उत्साह को, अपने भीतर के उसके प्रति जागरूकता को, उसके प्रति दया को आप दिखला पा रहे हैं, ठीक है ना। तो डायलॉग जो पेशेंट के साथ में हो रहा है उसमें नॉन वर्बल बिहेवियर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। नॉन वर्बल बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है। उसको थोड़ा सा बच्चे है तो उसके उसके सर पर हाथ रख दीजिए, तो इस तरह के बिहेवियर जो है तो नॉन वर्बल बिहेवियर कहलाता है, जो कि सूदिंग होता है, इफेक्टिव होता है और लोग बहुत आश्वस्त महसूस करते हैं। और ऐसा इसलिए भी जरूरी होता है कि रोगी कष्ट में है ना, रोगी कष्ट में है तो नॉन वर्बल बिहेवियर बहुत जरूरी है। फिर हम लोग को एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस, यानी कि ओपन, खुला हुआ, ऐसा जवाब क्वेश्चन नहीं करना है जिसका जवाब खाली हाँ ना में मिल जाए, है ना। आपको मीठा अच्छा लगता है कि खट्टा अच्छा लगता है, अब उसको यही तो बताएगा, या मीठा बताएगा या खट्टा बताएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि क्लोज्ड वर्ड, क्लोज्ड क्वेश्चन है, बता हुआ है ना। दिन में अच्छा लगता है कि रात में अच्छा लगता है आपको, मीठे में कौन, अगर आप कहते हैं कि आपको किस समय में अच्छा लगता है तो उसके समय, उसके बाद में सुबह, दोपहर, शाम, रात, सारे समय का ऑप्शन होता है, तो उसको एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस कहते हैं, है ना। तो हम पेशेंट को एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस, यानी कि जिससे कि एक्सप्लोर कर सके वह देखना है, उसको बंधन में नहीं रखें, है ना, इसको एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस कहते हैं। और फिर लैंग्वेज को समय समय पर एडजस्ट करते रहिए, भाषा को, अपनी भाषा को, कभी थोड़ा सा भाषा आपका आवाज़ तेज हो गया, कभी कम हो गया, तो इसको आप, इसके प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है, सिचुएशंस के मुताबिक, है ना, सिचुएशन के मुताबिक। अगर वह कुछ बातें बड़ा रो करके बोल रहा है तो थोड़ा सा गंभीर होकर के सुने, हाँ, कष्ट के में अपने भीतर के कुछ ऐसा बात बता रहा है, कुछ ऐसा खुशी की बात बता रहा है, तो उसमें आप अपनी भी खुशी जाहिर कीजिए, है ना, अपनी भी खुशी जाहिर करिए, और वो अगर दुखी है तो उसके साथ में आप अपना भी दुख जाहिर करिए। तो
ये चीज जो है कहते हैं कि उसके साथ मिलकर के जो हम प्रयास करते हैं वो हम लोगों के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशंस का साधन बनता है। एक चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हम लोगों के जीवन में, उसको कहते हैं एम्पैथी, और इसी से पुराना शब्द है सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है। पैथी का मतलब होता है, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, कष्ट में आना, और सिंपैथी मतलब कि साथ साथ, और एम्पैथी मतलब कि साथ साथ नहीं, एक तरफा, है ना। तो हमें उसके कष्ट के साथ में सिंपैथी भी शो करना है और एम्पैथी भी शो करना है, ठीक है ना। तो एम्पैथी भी शो करना है और सिंपैथी भी शो करना है, एम्पैथी एंड सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी एक सहानुभूति शब्द, इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सहानुभूति, है ना। सहानुभूति जनरली हम लोग किसी के कष्ट में जब करते हैं तो उसे सिंपैथी कहते हैं। अगर उसके कष्ट में नहीं, उसके किसी भी समय में सहानुभूति कोई व्यक्ति के पास में रखते हैं तो उसको हम लोग एम्पैथी कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना, एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर। तो हमें रोगी के साथ में उसके कष्टों में सिंपैथेटिक होना है, और उसके नहीं कष्ट में, उसके अच्छे में उसके प्रति सहानुभूति भी रखनी, एम्पैथी भी रहना है। ये बड़ा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट शब्द है। यह जैसे आप अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं, किसी घर के लोग के साथ में रहते हैं, कष्ट में नहीं है लेकिन उनके प्रति तो आपको सहानुभूति होती है ना, तो उसको हम लोग एम्पैथी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम छात्रों एम्पैथी और सिंपैथी को बहुत ध्यान से दिमाग में रखिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हम लोगों के संबंध जोड़ने का, है ना। केस टेकिंग में संबंध जोड़ने का ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका इस्तेमाल हमें किए बिना हम लोग रोगी के साथ में अच्छा वार्तालाप चालू नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए आज ये एक अच्छा मैसेज है कि हम लोगों को एम्पैथी होना चाहिए। यह फ्रेंडशिप है, है ना, लोगों के प्रति सद्भावना है, है ना। ये जो है सो हम लोगों को बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, पेशेंट जो भी चाहता है कि हमको एम्पैथी चाहिए, है ना, एम्पैथी चाहिए, द फीलिंग्स चाहिए। रोगी का चाहता है कि हमारे प्रति ये हमारे प्रति डॉक्टर साहब हमारे प्रति सहानुभूति रखें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग सिंपैथी और एम्पैथी को रखें। नेक्स्ट जो बात आता है, हम लोगों को एम्पैथी के लिए ऐसे अचानक आप सहानुभूति नहीं रखने लगते, अपने जीवन में एम्पैथी को प्रोत्साहित प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हम मनुष्य जाति के हैं, मनुष्यता हैं, और हर एक आदमी के प्रति हमें एम्पैथी रखना है, है ना। और अगर आप इस बात को रखते हैं, सोचते हैं, तो आपके भीतर में एम्पैथिक का फीलिंग्स जो है सो वह डेवलप होता रहेगा, ठीक है ना। एम्पैथी का फीलिंग्स डेवलप होता रहेगा, ये जो है सो हमको प्रैक्टिस करना है, और आज से ही प्रैक्टिस शुरू करिए। और पेशेंट को के साथ में तो करते ही हैं, अपने इर्द गिर्द अपने साथियों से, इससे आपका भाईचारा भी बढ़ेगा, आपके समाज में आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, और आपका महत्व भी लोग बढ़ेगा। तो ये एम्पैथी जो है सो हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट शब्द बन जाता है। और साइलेंस की बात तो मैं कह चुका था आपको। एक कहते हैं, एक शब्द और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको पेशेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। पेशेंटोलॉजिस्ट यानी कि पेशेंट के अनुरूप पेशेंट को पहचानने की कला, रोगी को पहचानने की कला, ऐसे पेशेंटोलॉजिस्ट है। तो हम लोगों को तो कहना पड़ेगा ना, हम लोगों को पेशेंटोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, यानी रोगी को पहचानने की कला होनी चाहिए। कौन सा आदमी किस तरह का शब्द इस्तेमाल करना चाहता है, किस आदमी से हम किस तरह से बात करें, है ना। जैसा आदमी है उसके साथ में वैसा
हम लोग को इस्तेमाल करा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ में अगर क्रोधी आदमी है तो आप भी उसके साथ में क्रोध कीजिए, उसके क्रोध के प्रति सहानुभूति दिखलाइए, उसके डर के प्रति सहानुभूति दिखलाइए। ये पेशेंटोलॉजिस्ट करता है। वह आग में है तो आग में आप और भी घी डालिएगा, और भी गुस्सा कीजिएगा, और तो और भी बढ़के आग बढ़केगा। तो आग में तो हमको घी नहीं डालना है, आग में तो हमें पानी डालना है ना, तो ये पानी डालने का काम करना है उसे, और पानी डालने का काम करेंगे तो उसका आग ठंडा होता है और आप उसके चीज को आराम मिलते हैं। तो पेशेंटोलॉजिस्ट का मतलब कहते हैं कि एक ऐसा आदत जिसमें कि सहानुभूति हो और सहानुभूति के साथ में मदद करने के लिए तत्परता है, मदद करने के लिए तत्परता है, जहां पर कि पेशेंट कोई भी आदमी आपसे भयभीत न महसूस करे। छात्रों एक बात, रोगी के साथ में मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं और जब उनको क्लिनिक में लाया जाता है तो इतने डरे हुए होते हैं और बच्चे लोग को माँ डरा देती है, अगर चुप नहीं रहोगे तो तुमको सुई दिलवा देंगे डॉक्टर साहब से, है ना, ये आम धारणा है। और सुई दिलवा देंगे कि बात जहां सुनता है उसको भीतर से पसीना आने लगता है, डर समा जाता है और आपसे भागने का कोशिश करता है। अब आप ऐसे वो आपसे छिपने का कोशिश करता, आपके पास आने ही नहीं जाता है, तो आप इसको 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 देखिएगा कैसे, इसको समझिएगा कैसे, क्योंकि वह का उसका तो खाली डर दिखलाई पड़ रहा है। तो क्या आप सोचिएगा कि बच्चा जो है सो स्ट्रेंजर के सामने में डरता है? नहीं, उसको डराया गया है, है ना, उसको डराया गया है और उसके डर को निकालना है। तो डर को निकालने को हम पेशेंट, इसी को एम्पैथी कहते हैं, है ना, उसको पुचकारना है। मैं तो क्या करता हूँ, छोटे बच्चे आते हैं क्लिनिक में, थोड़ा सा टॉफी रखे रहते हैं, मैं आते हैं सबसे पहले उसके हाथ में एक टॉफी थमा देता हूँ, बड़ा खुश। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर साहब नहीं है ये, अगर इंजेक्शन देने की बात भी होगी तो बड़ा प्यार से इंजेक्शन दिया जाता है, है ना। ये डॉक्टर जो इंजेक्शन देते हैं, पहले हम लोग तो नहीं देते हैं होम्योपैथी में, लेकिन अगर जो देते हैं तो वो बड़ा प्यार से अगर इंजेक्शन दे तो बड़ा बच्चा बड़ा प्यार से इंजेक्शन दिलवा लेता है, ठीक है ना। तो आप रोगी को, इसको हम लोग कहते हैं पेशेंटोलॉजिस्ट, टू मैनेजिंग द पेशेंट टू कोऑपरेट विथ यू टू गिव यू द आंसर प्रॉपरली टू गेट द फीडबैक आंसर, एंड यू हैव टू क्रिएट ए कॉर्डियल एनवायरनमेंट देयर, एक वातावरण को पैदा करना जिससे कि रोगी और आपके प्रति मुख हो, आकर्षित हो और आपको अपनी बात बताने के लिए बहुत ही तत्पर हो, है ना। तो ये कहते हैं ये आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट काम करता है, आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट काम करता है, आपकी तत्परता काम करती है। आप उस समय में जहाँ पर हैं वहाँ पर उसमें वातावरण को अध्ययन और समझ करके समझने की कला आपको आती है। किसके साथ में आते हैं? एक बहुत बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं, बहुत बूढ़े हैं, तो खड़ा होकर के हम अगर उनको प्रणाम अगर थोड़ा सा कर देते हैं, नमस्कार कर देते हैं, तो हम छोटे तो नहीं हो जाते हैं, और वो उनको एक श्रद्धा का इसके भाव से हम देखते हैं तो उनके लिए एक इम्पैथेटिक फीलिंग्स उनके अंदर में उत्पन्न होता है, हाँ ये डॉक्टर साहब मेरा रिस्पेक्ट करता है। महिला आती है उनके साथ में हम लोग भद्रता के साथ में व्यवहार करें, है ना, हरेक लोगों के साथ में उसके अनुरूप ही ढलने का कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ में बच्चे बन जाइए, बूढ़े के सामने में उसका बेटा बन जाइए, बूढ़ी औरत के सामने में उसका उसका भी बेटा बन जाइए, और एक जवान आदमी के साथ में एक दोस्त बन जाइए, है ना, महिलाओं के साथ में आप एक मित्रता का भाव रखिए। तो ये जो है सो कहलाता है पेशेंटोलॉजिस्ट, अपने को रोगी के जैसा ही बना लेना। आप देखिए आप लोग आपस में जो छात्र हैं एक क्लास में बैठते हैं तो सब हम उम्र हैं, और इस हम उम्र में क्या होता है कि आप लोग आपस में बड़ा खुल के बात करते हैं, हंसी मजाक होता है, कभी कभी झगड़ा भी करते हो, सारे चीज करते हो, लेकिन फिर आप इकट्ठे रहते हो,
ठीक है ना, सारे करते हो लेकिन इकट्ठे रहते हो क्योंकि आप दिल से जुड़े हुए जुड़ जाते हो। आप लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति एक आत्मीयता पैदा हो जाती है। यह आत्मीयता जो है सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इस क्लिनिकल प्रैक्टिस का, और इस क्लिनिकल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको या पेशेंटोलॉजिस्ट को पेशेंट के भावनाओं को समझने का अध्ययन और आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो पेशेंटोलॉजिस्ट के बाद में हम लोग आते हैं जो कुछ बातें जो कि आपको कम्युनिकेशंस को प्रभावित करता है, माने हस्तक्षेप कर सकता है या प्रमोट कर सकता है। तो प्रमोट करने वाले कारण को मैं कुछ बता रहा हूँ, जिसमें कि पहला फैक्टर है रैपर्ट। रैपर्ट रैपर्ट कहने का मतलब होता है एक लय में हो जाना, उससे दिल से आवाज निकलने लगना, आपके प्रति उसके साथ में खुल करके बातें करने लगना, है ना। यह बहुत अच्छा फैक्टर है जो कि आपको है। और जब रैपर्ट डेवलप हो गया तो पेशेंट जो है सो अपने दिल की बात, अपने ऐसी भी बात बताता है जिसको कि वो आज तक वह जिंदगी में कभी नहीं बताया। आपके सामने में रोने भी लगता है, आपके सामने में हंसने भी लगता है, आपके सामने में वह गुनगुनाने भी लगता है। तो यह रैपर्ट जो है, और उस समय में केस्टिकिंग करने के समय में हम लोग का इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है किस समय में कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा सवाल किस समय में करें, है ना। तो यह पहला शब्द जो है सो रैपर्ट शब्द हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रैपर्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने अंदर में क्रोध नहीं रखना है, आपको अपने अंदर में भय नहीं रखना है, आप अपने दिल को सहज रखिएगा तो यह रैपर्ट बहुत आसानी से बन जाता है। दूसरी बात आती है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने का मतलब व्याख्या करना, व्याख्या करने का मतलब डिटेल्स में बताना, है ना, डिटेल्स में बताना। ये डिटेल्स में अगर कोई बात को बताएंगे तो आपको वो बात वहाँ पर वह समझ जाता है। कभी कभी हम लोग को पेशेंट को समझाना पड़ता है ना, क्वेश्चंस को समझाने के लिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप पूछते हो कि किस समय में दर्द होता है, अरे सभी समय होइ छे ना, सभी समय होइ छे तो मतलब आपको क्या पता चला। अच्छा तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखो हम सब समय में तो आप एक जैसे नहीं रहते हो, सुबह सो के उठते हो उस समय में, फिर दोपहर में कैसे होते हो, खाना खाते हो, रात को सोने के लिए जाते हो, ये सारे समय अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा तो रोगी को अपने उस कष्ट के बढ़ने का समय की ओर में याद आ जाता है ना। मैं बोला कुछ रोगी को, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कुछ के दिमाग में बातें होती हैं, कुछ के दिल में बातें होती हैं, किसके मुंह में बात होती है। और दिमाग की बातें दिमाग के समय में आता है, दिल की बातें दिल के समय में आता है, और मुंह की बातें हमेशा आता है। और मुंह के बातें में उसका क्या आ रहा है, उसका खाली वर्तमान आ रहा है जिसको जो सामने में है उसको। लेकिन वह जो समय सुबह में रात को रात में बढ़ता है, 12 बजे के बाद में कष्ट बढ़ता है, वो तो बीता हुआ समय है ना, उतना सब वह तुरंत सामने में नहीं है, इसलिए मुंह पर नहीं आ रहा है। तो वह दिमाग से याद करता है, एक्सप्लेन करने के बाद में वह याद करने लगता है, और याद करने से उसे याद वो बताता है कि ऐसा है, इसलिए एक्सप्लेनेशंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में शो करना होता है। शो करने का मतलब दिखावा, दिखावा दिखलाना, कैसे। अच्छा ये देखो देखो ये यहाँ, अच्छा इसमें दर्द है, हाँ इस उंगली में दर्द है, तो इसको ऐसे करते हैं तो क्या, ये आप शो कर रहे हो, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करने के साथ में इसको शो कर रहे हो। तो उंगलियां हैं तो आप ऐसे बता रहे हो कि देखो ये बड़ी उंगली है, छोटी उंगली है, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो आपको शो करेंगे तो आपको ये होगा, पेट है, नाभि के पेट में दर्द होता है, कहाँ होता है, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, नाभि के बगल में, है ना। ये एक आप लोग थोड़ी बोलेगा रोगी को हमको एपिगैस्ट्रियम में होता है, हाइपोगैस्ट्रियम में होता है, ये और यहाँ पर होता है, राइट साइड अम्बिलिकल रीजन में है, इंग्यूनियल रीजन में है, ऐसा तो नहीं रोगी बताएगा। आपको वहाँ पर सो करके
आप देख सकते हो कि आप कहां पर होता है। और नेक्स्ट बात होता है प्रैक्टिस, है ना, आपका कितना इसमें प्रैक्टिस है, अनुभव, है ना, अनुभव। और नेक्स्ट बात मैंने जो बताया था वह एम्पैथी आता है। दूसरा होता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन यानी कि आपके साथ में जो रहने वाले जितने भी लोग हैं और आपका पूरा क्लिनिक का वातावरण वो एकजुट से एक एक लय में बात करे, जो डॉक्टर साहब बोले वही स्टाफ भी बोलेगा, ठीक है ना। जिस प्रेम भाव से डॉक्टर रोगी से अच्छा से बात करता है उसी तरह से उसके स्टाफ भी अच्छा से बात करते हैं, ये कोलैबोरेटिव अप्रोच कहलाता है, ठीक है ना। और अंतिम बात होता है टेक्नोलॉजी, आप दिन पर दिन टेक्नोलॉजी, आज हम लोग का क्लास कैसे चल रहा है, एक वेबिनार से चल रहा है ना। हम लोग ऐसा पहले करते थे, ऐसा नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जरूरत, लेकिन आज जरूरत पड़ा तो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है सो हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होता है। आज आप जब क्लिनिक को व्यवस्थित करने की बात होती है, कोरोना का जो भय होता है, तो ऐसे में हम लोग को एक हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो ये सारे चीज़ को अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कीजिएगा तो आप अपना क्लिनिक जो है सो सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम लोग माइक का यूज करते हैं, आपकी आवाज़ अगर आपको कम सुनाई पड़ता है, हो सकता है डॉक्टर को भी कम सुनाई पड़ता है, कभी कभी दिखलाई भी कम पड़ता है, चश्मा भी लगाने के बाद भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो हम चश्मा नहीं लगाएंगे, हम कान में एक माइक नहीं लगाएंगे, तो लोग हम लोग उसको आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, आप रेलवे काउंटर पर जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो वहाँ पर सामने में एक छोटा सा माइक लगा हुआ होता है, क्यों, आप उतना दूरी से बोलते हैं, उस माइक से आप बोलते हैं तो उसके पास में आवाज़ जाता है, और वह भी माइक से बोलता है तो आप कान में सुनते हो। तो ये टेक्नोलॉजी हुआ ना, तो आप भी एक टेक्नोलॉजी को अपने क्लिनिक में और अपने जहाँ पर ओपीडीज है वो टेक्नोलॉजिकली चेंज करना पड़ता है। आप रिपर्टरी यूज करते हो, हाँ, रिपर्टरी किताबों में पन्ने उलटते रहेंगे तो समय काफ़ी लग जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आज तो पन्ने उलटने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग कंप्यूटर पर 2 मिनट के अंदर में रिपर्टराइज कर लेते हैं, और जहाँ अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में ही, हमारा स्मार्टफोन में ही मेरा रिपर्टरी है, मैं स्मार्टफोन पर ही बैठे बैठे रिपर्टराइज कर लेता हूँ। ये सब टेक्नोलॉजी जो है सो आपको मदद करता है, इसीलिए कम्युनिकेशंस में हम लोग कम्युनिकेशंस के टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस के टेक्नोलॉजी का हम लोगों को अच्छा से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी बातों को रैपर्ड, एक्सप्लेन, शो, प्रैक्टिस, एम्पैथी, कोलैबोरेशंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोगों के फैक्टर्स जो है जो प्रमोट करेगा आपके कम्युनिकेशंस को प्रमोट करने का मदद करता है। कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, कनेक्ट पार्टनर एंड रिफ्लेक्ट, कनेक्ट पार्टनर एंड रिफ्लेक्ट, कनेक्ट मतलब जुड़िए, उसको पार्टनर बनाइए और फिर वहां पर उसका आप प्रतिबिंब देखिए। कनेक्ट पार्टनर एंड रिफ्लेक्ट, बी प्रेजेंट विद द पेशेंट, बी प्रेजेंट विद द पेशेंट यानी कि पेशेंट के साथ में रहिए, कैसे रहिए, उसके वातावरण में रहिए, जिस तरह से रहता है उस तरह से अपना एक वातावरण बनाइए। वह मिट्टी के घर में से आता है, वह मिट्टी में रहने वाले घर में रहता है, तो क्या आपके क्लिनिक में मिट्टी का क्लिनिक बनाने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं आप, लेकिन उसको आपके क्लिनिक में जब इंटर कर रहा है, आपका क्लिनिक बड़ा साफ सुथरा है, पक्का टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, और वह जब आपके क्लिनिक में जब इंटर कर रहा है तो उसको बड़ा सकपकाहट होती है कि मैं कैसे इस साफ में पैर रखूँ, है ना, क्योंकि वह मिट्टी में पैर रखने की आदत है उसको। तो उसे इनकरेज कर सकते हैं, अरे भाई कोई नहीं, जैसे जैसा घर है तुम्हारा वैसे ही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना आओ ना अंदर आ जाओ, अगर ये कर देते हैं थोड़ा सा तो उसके अंदर में उत्साहित होता है। सो बी प्रेजेंट विद द पेशेंट और बी प्रेजेंट विद उसके साथियों के साथ में स्वभाव, है ना। अगर कोई बच्चा अपनी माँ के साथ में आता है तो उसको आंटी बोल सकते हैं, है ना, उसको दीदी बोल सकते हैं, ये सब जो है सो बी प्रेजेंट विद द अनदर पर्सन कहलाता है। और T
टीच बैक मोमेंट्स, जिंदगी का हर एक क्षण, जिंदगी का हर एक क्षण सीखने का क्षण होता है। हर एक मोमेंट जो होता है सो सीखने का मोमेंट है, और वह मोमेंट उसी मोमेंट में सीख करके उसका उपयोग करना है ना, उसी क्षण में उसका उपयोग करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदत डालिए देखने का और सीखने का। हम एक दिन में कुछ नहीं सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते हैं और हर एक क्षण सीखते हैं, क्योंकि हर एक क्षण बदलता जाता है, हर एक क्षण में एक नयापन आता है, और इस नयापन को बनाए रखिएगा, आपके अंदर में उत्साह भी रहेगा, आपके अंदर में एक इंकरेजमेंट भी रहेगा, और आप काफ़ी सजग रहिएगा। और छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है टाइमिंग, टाइमिंग समय। सारी बातें आपको अपने क्लिनिक के टाइम में, टाइम बहुत बड़ा मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, अगर नहीं मेंटेन कीजिएगा, एक ही पेशेंट में एक घंटा लगा दीजिएगा तो बाकी आपका पेशेंट को हड़बड़ हड़बड़ जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिएगा। अगर आपकी क्षमता आपको 4 घंटे में क्लिनिक करते हैं सुबह में, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक या 1 बजे तक, तो उस समय में आपके एरिया में एवरेज कितने पेशेंट आपके क्लिनिक में आने लगते हैं, उसी हिसाब से हर एक रोगी के लिए एक समय बनाइए। और अगर आपको जैसे रोगी का रोगों का तरीका होता है, कुछ एक्यूट डिजीज वाले आते हैं जिसमें कम समय लगता है, क्रॉनिक डिजीज वाले आते हैं कम समय लगता है, तो आप उसी हिसाब से पेशेंट को टाइम देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान यह रहे कि हम बहक ना जाएं, ठीक है ना, हम बहक ना जाएं, हम आगे टाइम को बहुत एक्सीड कर दें, क्योंकि एक्सीड कर देंगे तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान, है ना, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को समान अधिकार होना चाहिए, हर एक को समान अधिकार होना चाहिए, हर एक को समान अवसर मिलना चाहिए। और उसके साथ में यानी कि पहला पेशेंट जो आप देख रहे हो सुबह में, और उसके बाद में क्लिनिक बंद करते समय में जो अंतिम पेशेंट देख रहे हो, वह पहला से लेकर के अंतिम तक सभी को समान अधिकार के साथ में समान समय एक जैसा ही ट्रीट करना आवश्यक है ना। हम लोग सुबह में बहुत फ्रेश होते हैं, 1 बजते बजते हम लोग थक जाते हैं, तो ये थकावट आएगी तो आप समय का उपयोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। थकावट नहीं आनी चाहिए उसका, अगर मेंटेन टाइम को मेंटेन कर चलिए कीजिएगा तो सभी के साथ में बराबरी का भाव होगा। और सबसे बड़ा जो पॉलिसी है क्लिनिक का और डॉक्टर का, वह है सिंप्लिसिटी, सरलता। जितना सिंपल शब्द का चुनाव कीजिए अच्छा है। मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं कभी कभी बहुत कोशिश करता हूँ जटिल शब्द से छोड़ करके, कठिन शब्द को छोड़ करके सरल शब्द में, एक आसान से समझने वाला शब्द को, आपके इर्द गिर्द घूमते वाले शब्द को सिलेक्ट करूँ, है ना। ये सिंप्लिसिटी का है, आप अपने जीवन में जितना सिंपल होंगे उतना सुंदर होंगे। कहा जाता है कि सिंप्लिसिटी इज द ब्यूटी, और जितना सजने का कोशिश कीजिएगा उतना आप आर्टिफिशियल लगिएगा, और आर्टिफिशियल चीज़ को कोई आदमी नहीं पसंद करता है, है ना, सिंप्लिसिटी। तो मैं क्लिनिक में जब बैठता हूँ तो मेरे पास में जो मेरे अपने रहने का तरीका है, मैं सज धज करके जाने का क्लिनिक का टाई लगाना तो जरूरी नहीं है, हमारे समाज में तो सभी लोग टाई लगाते नहीं है, और पेशेंट जो आया तो वह तो टाई लगा करके आता नहीं है, और आपके सामने में टाई लगा हुआ देखता है तो लगता है कि डॉक्टर बाबू है, और वो थोड़ा सा आपके सामने में असहजता का महसूस करता है। तो एक सहजता जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। एक सामान्य ड्रेसिंग में रहिए, है ना, आपका ड्रेस जो है सो बहुत सामान्य होना चाहिए, जैसा आपका डेली का होता है, ऐसा नहीं कि इस समय में ऐसा ड्रेस पहनना है, इस समय में ऐसा ड्रेसना है, तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेस कहलाता है, फॉर्मल ड्रेस, है ना। हाँ ठीक है, हम लोग साफ सुथरा रहना है, कपड़ा का एक अच्छा स्टाइल होना चाहिए जो कि आपका अपने मन के मुताबिक, जिसमें आप अपने को सहज महसूस कर रहे हैं। मान लो कि आपको टाई पहनने की आदत नहीं है,
और क्लिनिक में आप लगातारी में टाई बांध करके बैठते हो, बार बार आपका दबाव कहाँ रहेगा, गला पर रहेगा, है ना। बार बार आप सोचते रहोगे अरे इसमें ये है, तो दिमाग तो बट ना गया, दिमाग बट गया ना, तो बटने के नहीं देने के लिए आपको अपने जैसे है उसे बैठेंगे तो आपको बटेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। इसी तरह से शब्दों में होता करना है, सिंपल शब्द का इस्तेमाल करना है। सूचना जो है सो आस पास के लोगों का तुलना कीजिए, है ना। अब आपके कटिहार में रोगी है और आप बोल रहे हैं कि बंबई के लोग ऐसा रहते हैं, अरे तो बंबई का वातावरण ऐसा अलग है, यहाँ कटिहार का वातावरण अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ रहने का, वहाँ का मार्केट अलग है, वहाँ का मार्केट अलग है। तो आप बॉम्बे से कटिहार को कहे तुलना कर रहे हो, कटिहार में ही जो उपलब्ध साधन है उसी से तुलना करो, ठीक है ना। जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ रहना सिंपल शब्द का। तो इन्फॉर्मेशन में गहराई होनी चाहिए और स्पीच का पैटर्न में उतार चढ़ाव होना चाहिए, एक अथी में नहीं होगा, उतार चढ़ाव के साथ में स्पीच का पैटर्न होगा। ये जो है सो कॉन्शसनेस कहलाता है, आपका बॉडी का पोजिशन और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बड़ा कारण बनता है। आप बैठे हो क्लिनिक में पैर पर पैर चढ़ा करके, आप कुर्सी पर पैर पर पैर चढ़ा करके, तो क्या लगता है ये डॉक्टर साहब रोगी देख रहे हैं कि ये एक सभ्यता के साथ में बैठना है, है ना, एक सभ्यता के साथ में बैठना है, ये जरूरी है, है ना। तो आपका जो बॉडी पोजिशन होना चाहिए और फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वालिटी पर इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। दूसरा बात होता है कि एक चॉइस है ना, जो कि पेशेंट अपने क्लिनिकल सिचुएशंस को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ बातें को नहीं करना चाहिए। मैं उन बातों की ओर भी आपको ध्यान ले जाना चाहूँगा, अवॉइडिंग कम्युनिकेशन पिटफॉल्स, है ना। हम लोगों को ओल्डर पेशेंट्स के साथ में बहुत ही अभद्रता का साथ नहीं, आदर का साथ में करना है। पेशेंट जो किसके पास, जो कि ठीक से समझ नहीं पाता है, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके साथ में एक अलग बर्ताव करना है। पेशेंट जो कि डिजेबिलिटी है उसके साथ में आपको मदद करना है। जो कि अब मरने वाला पेशेंट है उसके साथ में आपका व्यवहार कितना होगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पेशेंट जिसको कि HIV है, एड्स है और कोरोना है आज के समय में, अगर कोरोना के पेशेंट के साथ में आप अपने को सोचेंगे कि हमको भी कोरोना हो जाएगा, तो आप उस कोरोना के पेशेंट को इलाज नहीं कर सकते, HIV के पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। आप अपने एक PPE में रह करके उसका इलाज करिए, वह आपको कुछ नहीं होगा। कुछ पेशेंट जो होते हैं सुसाइडल पेशेंट डिस्पोजिशंस वाले पेशेंट होते हैं, है ना, सुसाइडल डिस्पोजिशंस वाले पेशेंट होते हैं, हमेशा मरने की बात करता है, तो उसके साथ ये बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम में डालेगा। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा कि एक सिस्टम बहुत स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेस अच्छे होने चाहिए, लॉन्ग वेटिंग टाइम नहीं होने चाहिए क्लिनिक में, ठीक है ना। हर एक पेशेंट को अगर आप समय, अगर नंबर पेशेंट आपका बढ़ने लगता है तो पेशेंट को बहुत आप वहाँ पर टाइम देना शुरू कर दीजिए, इतना बजे से इतना बजे आप आइए, इतना बजे आ जाइए, तो वह टाइमिंग का मैनेजमेंट करना भी आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। लॉन्ग वेटिंग टाइम नहीं देना चाहिए, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स जो है सो बहुत फालतू डॉक्यूमेंट जो है वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और टाइम अगर आपको किसी का कैंसिल करना पड़ता है तो उसकी सूचना पूर्व में देनी चाहिए। डॉक्टर्स को कम्युनिकेशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी कि अरे अभी बात नहीं करेंगे ये नहीं, ये आप ऑलवेज रेडी रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होता है, और पेशेंट के मेडिकल साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, उसके उम्मीदों, उसके पर्सनैलिटी, उसके फीलिंग्स, उसके जो बीमारी का जो कारण, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो चेंजेज आ गया है, उसके जो नहीं ठीक होने वाला है, और
ये लैंग्वेज बैरियर है ना, ये सब बातों को दिमाग में रख करके हम लोग पूरे सिस्टम को मैनेज करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक जो कम्युनिकेशंस के लिए जितनी भी बातें की, मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ मैं अपने जानते। अगर आपको इसमें और भी अपने ढंग से कुछ जोड़ सके, क्योंकि कम्युनिकेशन से कंप्लीट नहीं हो सकता जब आप अपने से उसको आधार नहीं बनाइएगा, है ना। तो एक बात का मैं अंतिम इस क्लास आज के क्लास को समाप्त करने के पहले एक चेकलिस्ट में बताता हूँ। हाईली टेक्निकल लैंग्वेज को पेशेंट के साथ में इस्तेमाल नहीं करिए। आप ऐसा भाषा में बात करेंगे जो कि उसका दूर नहीं समझ में आता है और तो वह काफ़ी डर जाता है, और पेशेंट को डराना आपका अधिकार नहीं है। पेशेंट के गंभीर से गंभीर, दूसरी बात है, पेशेंट के गंभीर से गंभीर अवस्था में भी उसे मदद करने के लिए तत्परता और उसे आश्वस्त करने के लिए तत्परता होनी चाहिए। और पेशेंट, तीसरी बात है, पेशेंट को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट की बात को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पुनः, जब तक समझ नहीं जाइए, उसको वेरीफाई करते रहिए। और एक एम्पैथी जो पॉइंट है उसको हमेशा दिमाग में रखते रखिए, और पेशेंट के साथ में आप कितना एवेबिलिटी आपकी बढ़ती है, इन सारी बातों को आप रखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत ही अच्छा हो सकता है, सुधर सकता है। और इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपके लिए लाइफ में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा। तो छात्रों, आज के इस इन सब बातों के साथ में मैं कम्युनिकेशन पार्ट को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, है ना। इसके बाद में जो अंतिम टूल्स है उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, वह है रिकॉर्ड कीपिंग, है ना। रिकॉर्ड कीपिंग के बाद में फिर मैं प्रोसेस में आऊंगा, वह अगले क्लास में वो चलेगा। आज के लिए हम लोग इतना हम लोगों ने पढ़ा। मैं आप सबों को मनन करने की बात करता हूँ, आप सबों को चिंतन करने की बात करता हूँ, आप सबों को मैं प्रैक्टिस करने की बात करता हूँ। कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ आज का इस क्लास को समाप्त करता हूँ।